मैं हूँ मानसी राठौर। धार जिले के कड़माल गांव के ऐसे परिवार जिन्हें डूब से बाहर कर सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी, जिसके चलते सरदार सरोवर बांध विस्थापित लोगों ने पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह शुरू किया और 66 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठ गए। धार जिले के कड़माल गांव में ऐसे परिवार जिन्हें 2017 में डूब से बाहर किया गया था, लेकिन आज उनके दरवाजे में पानी है, लेकिन सरकार उन्हें डूब प्रभावित नहीं मानती। जबकि नियम अनुसार गांव की 95% से भी ज्यादा आबादी पुनर्वास पर स्थापित कर दी गई है, मात्र 5% से भी कम लोगों को डूब से बाहर कर उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसके चलते पिछले 66 दिनों से कड़माल में क्रमिक अनशन पर है। अब सरकार उन्हें डूब प्रभावित जरूर मानने लगी है, लेकिन अब भी पात्र अपात्र का खेल जारी है। वही पिछले 660 दिनों से क्रमिक अनशन जारी है, जिसके चलते यहां पर 16 परिवार ऐसे थे जिन्हें सरकार की नियम अनुसार 5,80,000 मिलने थे, साथ ही उन्हें 30x50 का मकान बनाने के लिए प्लॉट भी मिलना था, बावजूद इसके शासन पात्र अपात्र के खेल में उलझा दिया। विस्थापितों को हाल ही में अधिकारियों ने 10 परिवार के लोगों को पात्र तो मान लिया है, लेकिन फिर भी 6 परिवारों को अपात्र कर दिया। यह पात्र अपात्र के खेल में पिछले कई सालों से सरदार सरोवर बांध विस्थापित रहे है। सरदार सरोवर बांध विस्थापित लोगों ने पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह शुरू किया, जब तक उनका अधिकार नहीं मिलता उन्हें क्रमिक अनशन जारी रहेगा। आज गांव कड़माल में जो जल सत्याग्रह करने का कारण कि यहां पर कुछ परिवार जैसे 5 जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने जो घोषित किया था, उस घोषणा के अनुसार कई लोगों को पुनर्वास में छोड़ दिया, 5 जैसे का लाभ नहीं दिया गया, फर्जी लोगों को लाभ दिया गया भ्रष्टाचार। और ये जो लोग अभी खड़े हैं और टीन शेड में भी जो लोग हैं, कई स्कूल में पढ़े हैं, ये लोगों को छोड़ दिया गया, इसके अधिकार हम मांगने थे। और देश भर में हम विकास के नाम पर ये जो विरोध कर रहे हैं कि विकास ऐसा होना चाहिए कि छोटे का नुकसान हो और बड़े लोगों का फायदा हो, बड़े बड़े काफ़ी जनता का फायदा होना चाहिए, तो हम विकास मानते हैं। इसलिए आज ये जल सत्याग्रह कर रहे हैं हम, और गांव-गांव में जल सत्याग्रह हो रहा है। कब से चल रहा है ये आंदोलन? ये आंदोलन हमारे करीब 66 दिन होगा, 67वां दिन है, ये धरना भी चल रहा है। और आज जल सत्याग्रह का हमने तय किया है कि जल सत्याग्रह करेंगे और हमारी बात को मनवाएंगे और हमारी लड़ाई को जीत के और ले जाएंगे।